दोस्तों, एक प्राइवेट एम्प्लॉई, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले एम्प्लॉई की एक केस के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरे पास ऑफिस में किसी रेफरेंस से एक साहब आए। उन्होंने बताया कि वो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है, उसके एम्प्लॉई हैं और उनका वो पिछले तकरीबन 4 साल से जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में। अब कुछ पेमेंट ऑफ वेजेस या सैलरी को लेकर और जो उसके इंक्रीमेंट्स हैं या डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस हैं जो एग्रीड हैं उसके मामला जो है वो कुछ इश्यू सामने आ रहे हैं और कंपनी मुझे प्रॉपरली पे नहीं कर रही है और डिफरेंट अलाउंसेस को कट कर दिया गया है। यानी इस तरह के मामले, कहने का मकसद ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले एक प्राइवेट एम्प्लॉई का मैटर था और उन्होंने, यानी वो खुद से ही उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी है अपनी कंपनी के ओनर के खिलाफ कि वो मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो इस तरह के मामला बहुत आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जिनको लॉ की इतनी नॉलेज नहीं आती तो वो अपनी तरफ से एक सजेशन देते कि मुझे इस तरह का केस करना है। तो बीइंग अ लॉयर, इट आई एम ड्यूटी बाउंड टू एक्सप्लेन टू हिम कि उनका जो भी मैटर है उसको किस तरह से लीगली किसी लीगल फोरम में कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझने की चीज़ है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के जो भी मैटर्स हैं प्राइवेट कंपनीज़ के, उनको किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में हाई कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। समझने की बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होती है वो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि जहाँ पे किसी सिटीज़न ऑफ द कंट्री, किसी शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेट होते हैं तो उन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये पिटीशन का प्रोविज़न मौजूद है। मीन्स इट इज़ ओनली टू प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब वो क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स के, राइट टू फ्रीडम कि आप आज़ादी से हर जगह आ जा सकें, कोई आपको रोक नहीं सकता, गैरकानूनी तौर पे कहीं कैद नहीं कर सकता, कहीं पे कन्फाइन नहीं कर सकता। दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल एक और राइट, राइट टू प्रॉपर्टी कि ये हर शहरी का एक कानूनी हक है कि वो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी अपने कानूनी आमदनी के से प्रॉपर्टी ख़रीदे, अपने नाम पे टाइटल रखे, रजिस्ट्री कराए, मालिक बने। यानी ये एक फ्रीडम टू, राइट टू प्रॉपर्टी। इसी तरह से राइट टू प्रोफेशन है, एवरी सिटीज़न इज़ फ्री टू ज्वाइन एनी प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, नॉट एनी प्रोफेशन बट द लीगल प्रोफेशन। ये नहीं है कि कोई गैरकानूनी एक्ट, कोई क्राइम, कोई ऑफेंस भी कर सकता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट्स है। नो, लीगल यानी आपका कोई भी प्रोफेशन है जो लीगल है, लीगली अलाउड है, वो आप अख्तियार कर सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि इस प्रोफेशन में ना जाएं, इसमें जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे, और राइट टू प्रोटेक्शन है कि आपके एवरी सिटीजन हैज़ राइट कि उसके स्टेट उसको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एनी थ्रेट, फ्रॉम एनी डैमेज। तो इस तरह से काफ़ी सारे राइट्स हैं। अब ऐसे किसी भी राइट की अगर वायोलेशन होती है तो उस राइट के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस जो केस मैंने स्टार्टिंग में लिया कि एक प्राइवेट एम्प्लॉई था, एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई, और उन्होंने आगे कहा कि मुझे पिटीशन फाइल करनी है अपने कंपनी के ओनर के खिलाफ, तो इस तरह के केस के लिए स्पेशल लॉ है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसके तहत स्पेशल कोर्ट है जिसको हम वेजेस कोर्ट कहते हैं, जो कि लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है। और वहीं पे ये जॉब के हवाले से, प्राइवेट जॉब के हवाले से जितने भी इश्यूज मैटर्स होते हैं वो वहीं पे ले जाए जा सकते हैं। हाँ, हाई कोर्ट में पिटीशन में आप जैसे किसी कोई थ्रेट है या आपका कोई लीगल राइट है और वो आपको नहीं मिल रहा, जैसे आप कहीं रजिस्ट्री कराना चाहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी, और वो आपकी रजिस्ट्री करने से गैरकानूनी तौर पे इनकार करता है, हीले बहाने करता है, तो भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसमें यही आप मांगेंगे कि रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी जाए, ऑर्डर दिया जाए कि मेरी ये रजिस्ट्री एज़ पर लॉ करें।
ऐसी सूरत में पिटीशन मेंटेनेबल है। कहीं भी आपको किसी से थ्रेट है, आप पुलिस में जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस आपकी एप्लीकेशन पे कान नहीं धरती आमतौर पर जो हमारे यहाँ होता है, तो उस सूरत में भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मेंटेनेबल। तो ये डिफरेंट केसेस की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, तो कुछ मामला आप पिटीशन में लेके जा सकते हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं जो आप सिविल नेचर के हैं, तो जहाँ पे अगर डिस्प्यूट है बिटवीन टू पार्टीज रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी, दोनों क्लेम कर रहे हैं मेरी है, उस सूरत में भी आप अगर पिटीशन फाइल करेंगे तो पिटीशन मेंटेनेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब दो लोग क्लेम कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी के हवाले से तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज़ नेसेसरी। एक डिस्प्यूट है सिविल नेचर का, दो बंदे क्लेम कर रहे हैं, कोई एक ही सच्चा होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एविडेंस रिकॉर्ड होगा, जिनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे विटनेसेस होंगे वो सारे मद्देनज़र रखते हुए सिविल कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। तो पिटीशन में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये सब नहीं होता। पिटीशन तो एक सरसरी नज़र में एक शॉर्ट प्रोसीडिंग होती है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये पूरा नहीं हो रहा तो इसके हवाले से ऑर्डर कर दिया जाए। यानी एक पिटीशन के अंदर लाजमी तौर पर कोई स्टेट का कोई डिपार्टमेंट एज अ पार्टी होता है जिसके खिलाफ़ आप पिटीशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पुलिस के खिलाफ पिटीशन की आपने, इंटीरियर डिपार्टमेंट के खिलाफ, महकमा दाखिला के या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने दी रजिस्ट्रार ऑफिस वाली, तो वो रजिस्ट्रार इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, चाहे वो प्रोविंशल हो या फेडरल हो, तो स्टेट का एक इदारा है। तो यानी जहाँ पे स्टेट का कोई डिपार्टमेंट आप इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पिटीशन मेंटेनेबल होगी। तो जो फंडामेंटल राइट जो हमारे आईन पाकिस्तान ने सारे शहरियों को दिए हुए हैं, उसकी किसी भी राइट की कोई वायलेशन होती है तो उसके हवाले से भी पिटीशन मेंटेनेबल है। तो इस केस में पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी। इस केस में जो था प्रॉपर फोरम वही अपनाया गया कि वेजिस कोर्ट में एप्लीकेशन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फाइल की गई और उसमें जो भी उनके ग्रीवांस थे रिगार्डिंग सैलरी और अलाउंस उसकी पेमेंट के, उनके लिए रिलीफ मांगा गया और वो प्रोसीडिंग्स हुई और प्रोसीडिंग्स होने के बाद एज पर लॉ ऑन मेरिट्स डिसाइड हुआ, जो भी कोर्ट सेटिस्फाई हुई कि जो भी उनका राइट बनता है वो ऑर्डर उसमें हो गया। थैंक यू।